स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं कल बाली कोच गया था रात को, तो ज़्यादा कुछ शूटिंग किया था, बहुत थक गया था, नींद वगैरह दो दिन से हुई नहीं थी। कल तो बाली आके, ये ऐसा है होम स्टे है, ये बाली में इसको होम स्टे बोलते हैं, काफ़ी चीप मिल जाता है, 1200 पर नाइट रूम में मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे दो रीम्स हैं, ये बेसिकली उबुड एरिया में। कल मैंने एयरपोर्ट से उबुड में आया, एक घंटा लगा आने के लिए, बहुत दूर है उबुड यहाँ से, एयरपोर्ट से। तो आज का प्लान है राइस टेरेस वगैरह आज कवर करना है, और टेम्पल्स है दो लिख के रखे हैं आइटिनरी में, वो आज कवर करेंगे। तो अभी बेसिकली अभी बजे है सुबह के 10:30, ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उन्होंने कुछ मेनू दिया है, वहाँ से सिलेक्ट करना है, तो अभी सिलेक्ट करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रेकफास्ट करते हैं। और जो मोटर बाइक है रेंट के लिए, इनकी तरफ से लेने वाला हूँ मैं, कुछ 70,000 इंडोनेशियन रुपया बोल रहे हैं, तो लगभग 350 रुपये होते हैं इंडियन करेंसी में। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मोटर बाइक लेके चलते हैं घूमने के लिए। तो अच्छा कुछ वो होम स्टे है, यहाँ पे बैठने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये मेरा रूम है, ये दूसरा रूम है, इसके ऊपर भी रूम्स है। तो यहाँ पे गणेश जी का आइडल है, अब पूछ रहे कि ब्रेकफास्ट आपको कंफर्म हो गया है क्या। यहाँ पे आप बहुत खुद ही रहते हो, यहाँ पे आने का रास्ता है। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, डिसाइड करते हैं क्या लेना है। तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, देखते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं क्या। ये आ गया भाई अपना ब्रेकफास्ट, ये कुछ वेजिटेबल दिए इन्होंने, सैलेड, एक मिक्स जूस, और ये कुछ दिया है यार, ब्रेड का पता नहीं क्या है, बोला था प्योर वेजिटेरियन दो मुझे, तो ये कुछ दिए उन्होंने। भी करते ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आया हूँ सिम कार्ड लेने, कल सिम कार्ड नहीं लिया था एयरपोर्ट, बहुत महंगा बेच रहे थे वो। तो ये शॉप है यहाँ पे उबुड में, मेरे स्टे के पास में ही है, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं सिम कार्ड। ऐसी कुछ शॉप है, पूरे डेटा वाली सिम है, ये 35 GB है, 2 लाख इंडोनेशियन रुपीज़, और ये 1 लाख का है, 1 लाख इंडोनेशियन रुपीज़। ऐसा कुछ पेट्रोल पंप है वाली का, गर्भवती यहाँ पे डाल रहे हैं 2 लीटर पेट्रोल। और ऐसे रास्ते हैं वाली के छोटे छोटे, टू व्हीलर आयर की हमने वाली। तो चलते हैं इधर राइस टेरेस की तरफ, चल रहे हैं हम। अभी एक राइस टेरेस पर आया हूँ, उसका नाम है आला सरू, प्राइवेट राइस टेरेस है ये। तो देखते टिकट्स वगैरह कितना है, ऑनलाइन देखे तो 50,000 थी, उसके पीछे ही पार्किंग की है टू व्हीलर, और ऐसा कुछ है इधर का सीन, काफ़ी बड़ी जगह लग रही है और फेमस भी। टिकट ले लिए 50,000 पर हेड इंडोनेशियन रुपया है, वो चलते हैं। ये बस एंट्री फ्री है, मतलब 250 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से, अंदर फिर स्विंग या जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उसके अलग फीस है। तो चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। तो अभी बैग चेक कर रहा है, ऑल गुड, ऑल गुड, थैंक यू, लेट मी हेल्प यू ब्रदर, ओके, हियर, यस, फाइन, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सेम टू यू। अभी कर रहे हैं राइस टेरेस पर एंट्री, थैंक यू। अभी यहाँ से वो कॉफ़ी वॉफी जो मिलती है, लॉन्ग्स कॉफ़ी, ये सब भाई यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेलो, यस, दैट विल फाइन, ओके। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी बनती है, ये जो एनिमल है लुवांग करके, कॉफ़ी बेरस खाता है वो, फिर उसके पेट के अंदर 6-7 घंटे वो फर्मेंटेज होता है, फिर जो टट्टी करता है वो टट्टी से कॉफ़ी बनाते हैं। ये वैसी कॉफ़ी है, ये पूरा दिखाया है यहाँ पे, और ये वो एनिमल है, आपको दिखा दो अभी, ये वो लुवांग सोया, अभी देखो फर्मेंटेड कर रहा हूँ मैं कॉफ़ी को पेट के अंदर, और ये वो कॉफ़ी है, देखो ऐसे टट्टी से कॉफ़ी निकलती है उसकी। तो इसको थोड़ा प्रोसेस करके ऐसे निकलती है, तो पूरा प्रोसेस दिखा है कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है उसकी,
काफ़ी फेमस कॉफ़ी है बोलते हैं और महंगी भी है ये। ये कॉफ़ी ट्राई करते हैं अभी। कड़वाट है, कड़वा है थोड़ी। ये कोई बंदा बना रहा है बिना कपड़े पहन के कॉफ़ी, देखो क्रश कर रहा है ये। यहाँ पे बैठ के उसको गर्मा गर्म करते हैं, गर्म करती है कॉफ़ी को, जिसकी टट्टी से निकली है ये। उसका बहुत शौक। देखो यहाँ पे वो रोस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। और ये देखो ये आंटी रोस्ट कर रही है कॉफ़ी को। फिर से कॉफ़ी थोड़ी गर्म करनी है, कॉफ़ी की बीन्स को भी बनाना है बोलते हैं मतलब, ठीक है। रोस्टिंग रोस्टिंग करना है, सॉरी गरम नहीं करना है, रोस्टिंग करना है। आफ्टर दिस लाइक दैट। यहाँ पे वो बना रहा है बंदा कॉफी। बहुत सारे फ्लेवर्स है इसके पास, लेमन टी, जिंजर टी। लगी है पूरी लाइन लगी स्विंग करने के लिए। वो ऐसे नेस्ट वगैरह बने, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा इस राइस टेरेस है, अच्छा है यार। और यहाँ पे चल रहे ऊपर स्विंग, कपल स्विंग यहाँ पे है। चलते हैं यहाँ पे, मैडम को फोटो निकालना है बोलते। ऐसे रहना इधर देख, हाँ बैठ जा बैठ जा। देखो यहाँ पे राइस लगे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और वहाँ से पानी आ रहा है। देखो ये है राइस फील्ड, मस्त सिस्टमेटिक लगा है। मूर्तियाँ बहुत लगी है यहाँ पे, देखो पूरे हिंदू गाड़ी से इसकी मूर्ति है। ये साइड भी लगी है देखो, भगवान की मूर्ति। यहाँ पे एक ब्रिज है, चलते ब्रिज से। ओनली 5 पीपल, वो साइड चलते, उधर भी फोटो स्पॉट है। और ये साइड भी राइस टेरेस है। चल गिर जी, हिल रहा है तो। ओ डेंजर, अभी चलते हैं ऊपर, वहां स्विमिंग पूल है, उधर जाके देखते हैं रेस्टोरेंट के ऊपर। चलो देखो ये आंटी जी कर रहे हैं राइस फील्ड में काम। ये भी आंटी अभी आ रही है, तो चलते हैं ऊपर। नीचे का पूरा देख लिया अभी, थक गया अभी। स्विमिंग पूल देख लेते इधर का कैसा है। तो इसके एक्सेस फ्री है, और रेस्टोरेंट भी है साइड में। देख लेते उस स्विमिंग पूल, ऐसा कुछ ही स्विमिंग पूल। इस साइड रेस्टोरेंट है, इस साइड स्विमिंग पूल। काफ़ी अच्छा है, पूरे वेस्टर्न क्राउड है यहाँ पे। जैसे डीजे लगा है पूरा, और नीचे का पूरा राइस टेरेस अच्छा है। अभी इधर का देखना हो गया हमारा, हला सरूम बैली स्विंग और सब चीज़ें। अंदर पानी बहुत महंगा है, मतलब 40K फॉर 200 ml की बॉटल। एक लिया हूँ मैं बाहर से, बाहर से ले सकते हो बाहर आके। तो नेक्स्ट स्टॉप चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करके यहाँ पे। राइस का फील्ड लगा है, अभी देखो एक राइस निकाला है इन्होंने। ये पूरे राइस फील्ड है, और इनके घर 2:30 बजे। अभी थोड़ा लंच कर लेते हैं। ये जाते वक्त जो रास्ता है तीर्थ एम्बुल टेम्पल के पास, अभी मैं जा रहा हूँ तीर्थ एम्बुल टेम्पल, जो विष्णु जी का टेम्पल है। ये एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे, चलते कुछ देखते।
पिज़्ज़ा या बर्गर जो भी वेज मिलेगा वीगन। हेलो, इधर ही लंच करना पड़ेगा अभी। मस्त दिख रहा है, काफ़ी सुंदर है रेस्टोरेंट। यहाँ से बस 3 मिनट के ड्राइव कर पास टेम्पल है। ये है वो रेस्टोरेंट द अमेरता करके, देखते हैं इस पे वीगन या वेजिटेरियन क्या मिलता है। फ्राइड राइस है, वेजिटेबल फ्राइड राइस 40 के, लगभग 200 रुपए के आसपास, 200-220। पिज़्ज़ा भी, मार्गरिटा, एक चाय की पिज़्ज़ा लग रहा है जो है वेज 45 के। बर्गर वगैरह है, नासी गुरंग, पास्ता भी है, देखते हैं अभी क्या लेना है। तो ये आया है पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा जो मिला है 45 के में। ये भी एक वेजिटेबल राइस लिया है, फ्राइड राइस। तो बिल आया है टोटल 1,09,250, 10% और 50% टैक्स लगा है, तो 1,00,000। ये एक 1,00,000 ही और 10,00,000 ही। यहाँ पे आ गए हैं तीर्थ यमुना टेम्पल, जो कि 10-15 मिनट के दूरी पे जो राइस टेरेस जो टिकट काउंटर है उसका, देखते हैं अभी इसकी टिकट्स कितनी है और अंदर एंट्री करते हैं फिर। इसकी टिकट है 50,000 इंडोनेशियन रुपया एक जन के लिए। एंट्री ऐसे एंट्री है, हॉल 2। थैंक यू। मस्त लग रहा है, ग्रीनरी है। कहाँ पे? हाँ, वाटरफॉल जैसा आवाज तो आ रहा है। मस्त लग रहा है। एंट्री दिस साइड, एंट्री टेम्पल दिस वे। ओके, यहाँ से टेम्पल है। तो टेम्पल को, टेम्पल पे एंट्री करने से पहले ऐसा कुछ करना पड़ता है, नीचे सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे आप ये जो पहनते हैं नीचे लुंगी, उसका कलर भी चूज कर सकते हो। उनको अभी देता हूँ। तो ऐसा कुछ पहना है मैंने, चलते अंदर। अच्छा टेंपल है, हिंदू टेंपल है, मस्त। और यहाँ पे होली बात भी होती है। देखिए जो कपड़े पहने हैं ग्रीन कलर के, ये पहनना पड़ता है आपको अगर आपको नहाना होगा तो। यहाँ पे झरने के नीचे वो भी दिखाता हूँ अंदर जाके। देखिए ये वो होली पॉन्ड है जहाँ पे लोग नहाते हैं, और ऐसा कपड़ा पहनना पड़ता है ग्रीन कलर का। अगर आपके, आपको पूरे अगर पाप अगर धुलाने होंगे तो यहाँ पे आ जाओ, तीर्थ यमुना टेम्पल बाली। करना है क्या? तो यहाँ से नहाने के आने के बाद वो पॉइंट से यहाँ पे आप बैठ सकते हो, मंत्र मंत्र पढ़ते शायद वो। कुछ सीन नहीं यहाँ पे, मस्त टेम्पल है, थोड़ा एंशियंट टेम्पल लग रहा है। तो ये सर टेम्पल है, करते टेम्पल में जाते हैं। विष्णु जी का टेम्पल है बेसिकली, है जो अपने हिंदू गॉड है। यहाँ पे फिश वगैरह है, तो फिश को खाना दे सकते हो शायद तुम, देखते हैं आप, शायद लेना पड़ेगा। हाँ, वो पकड़ के बैठा है। मस्त है यार ये पॉन्ड, टेम्पल के अंदर ही है।
यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कैफे वगैरह है। सॉरी, वाव मस्त है फिश। फिश फूड लेते हैं अभी, थोड़ा फिश के लिए खिलाता हूँ और बैठता हूँ यहाँ से आराम से। तो ये जो फिश फूड है वो 5000 इंडोनेशियन रुपीस का है, यहाँ पे रखा है। ये काउंटर है, काउंटर से लेते हैं अभी और बैठे यहाँ पे मस्त आराम से साइड पे, पॉन्ड के साइड पे। ये लिया है फिश फूड, चलते बैठते उस साइड पे। यहाँ पे बैठता हूँ मस्त, अभी काफ़ी सुंदर है। ज़्यादा मत डाक, थोड़े थोड़े डाक। अरे नहीं टेम्पल आते ही एग्जिट करते बहुत सारा मार्केट लगेगा आपको, देखो दोनों साइड मार्केट है। थोड़ा बार्गेन करोगे तो चीप में मिल जाएगा। वैसे मैंने मैग्नेट नहीं आया, एक 18,000 में दो मैग्नेट, फ्रीज के मैग्नेट है ना, मतलब कुछ तो 100 रुपये में दो। देखो ये साइड पे पूरा मार्केट है, कपड़े ले लो, सुविनियर्स या सब कुछ है, लकड़ी का सामान, बैग्स, अच्छा खासा मार्केट है। देखो यार टी शर्ट्स वगैरह भी है, देखो यहाँ पे फोटो गणेश का ये है, अच्छा खासा है मार्केट, शॉपिंग कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे गणपति की टेम पेंटिंग की थी मस्त है, मैग्नेट की बहुत भरमार है यहाँ पे, मस्त है, चीप है मार्केट, ज़्यादा कुछ महंगा है नहीं, बस आपको बार्गेन बहुत करना पड़ेगा। देखो मस्त पेंटिंग है यहाँ पे, हिंदू गॉड के पेंटिंग्स बहुत है यहाँ पे। वापस अपने एरिया, मतलब जहाँ पे मेरा स्टे है उबुद में, ये उबुद का मेन मार्केट। यहाँ पे एक के सर्कल करके छोटा मार्ट है, वहाँ पे आए पानी पीने के लिए, कुछ पानी की बॉटल खरीदने के लिए। ठीक है, आज का वीडियो इधर यहाँ तक ही रखता हूँ, कि अभी तो कुछ खास करने नहीं वाला हूँ, कल मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।